अच्छा दोस्तों, इंडिया के बड़े नखरे हैं, नखरस, मेरा बेटा कहता है नखरस, तो नखरे बहुत हैं कि जी हम शारजा में नहीं खेलेंगे, हम अबू धाबी पे नहीं, ये मैच सपोज टू बी इन शारजा जो कल होने वाला है, मगर वो कह रहे हम दुबई खेलेंगे, कहीं और नहीं खेलेंगे। बाबर आजम से है, इंशाल्लाह अच्छी कप्तानी करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। जी ना जी, आपने आवाम की राय सुनी, सुना आपने कहे बाबर आजम अच्छी कप्तानी करेगा। देखिए ये आवाम तो मासूम होती है, कप्तानी का बोला ठीक है, आवाम तो मासूम होती है और आप इंडिया की अगर पब्लिक से पूछेंगे बोलेगी इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान से पूछेंगे पाकिस्तान जीतेगा। आप क्या कहते हैं, पेपर पे इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा जी। वैसे मैंने सवाल मिला वजह पूछा, जवाब तो मुझे मालूम ही था। जी हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। पाकिस्तानी आवाम पिछले T20 वर्ल्ड कप की जीत की दुहाई देती है तो भारतीय मौका मौका याद दिला दे देते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि BCCI और भारत की टीम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। भारत की टीम अपने मन के मुताबिक मैदान में मैच खेल रही है और ऐसा हो भी क्यों ना, भारत जितना पैसा ICC को देता है उतनी तो सारी टीमें मिलकर भी नहीं देती। पाकिस्तानी आवाम का मानना है पाकिस्तान ने जितने बुरे तरीके से हांगकांग को हराया है उसी तरह भारत को भी हराएगी। वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है भारत एक मजबूत टीम है जो पाकिस्तान को हरा देगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमने देखा है कि खवातीन के अंदाजे बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, जितनी भी खवातीन आई हैं उनके अंदाजे बड़े अच्छे होते हैं। तो चले जी, तो कल कौन जीत रहा है जल्दी से बता। देखो मैं पाकिस्तानी हूँ, आई वांट टू सी पाकिस्तान विन। बस पाकिस्तान अगर अच्छा स्टार्ट ले लेगा कल, आई एम श्योर बाबर पे भी प्रेशर होगा, बाबर रन कर दे तो पाकिस्तान के जीतने के चांस। और इंद्र भाई अभी ऑफकोर्स पाकिस्तान कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे ना, कोई शक वाली बात ही नहीं है इसमें तो दूसरी। हाँ, वो ट्विटर पे पीछे पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कह देंगे आपको अगर आपने कोई और टीम का नाम भी लिया, ऑन मेरिट भी लिया तो भी। लेकिन बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट इफ यू विन द टॉस, ये क्या करना चाहिए? क्या बॉल फर्स्ट, बॉल फर्स्ट चेज करें जी। अगर आप देख रहे हो ना चेज, देखो चेज में ना जितना मैंने पहले भी कह था कि जितना स्वेट हो रहा है ना तो उसमें बॉल करना मुश्किल है। सेकंड टाइम जो भी टीम सेकंड टाइम बॉलिंग कर रही है ना स्ट्रगल कर रही है। कल पाकिस्तान ने वैसे नहीं किया, वो 38 पे आउट कर दिए, लेकिन बड़ा स्कोर जहाँ भी हो रहा है ना तो स्ट्रगल कर रहे हैं। और थोड़ा सा मेरे ख्याल में बॉल वेट भी हो रहा है क्योंकि जी ऑस वगैरह का के भी है ना थोड़ा सा फैक्टर है। अच्छा दोस्तों, इंडिया के बड़े नखरे हैं, नखरस, मेरा बेटा कहता है नखरस, तो नखरे बहुत हैं कि जी हम शारजा में नहीं खेलेंगे, हम अबू धाबी पे नहीं, ये मैच सपोज टू बी इन शारजा जो कल होने वाला है, मगर वो कह रहे हम दुबई खेलेंगे, कहीं और नहीं खेलेंगे। चले शारजा क्यों नहीं कहते, कहते मनहूस है वो, कह रहा था इंडियन, कहते ये मनहूस ग्राउंड है। चले होंगे पाकिस्तान और इंडिया बद्दे मुकाबले, बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा, एक हाई वोल्टेज मैच के जहाँ पे पाकिस्तान अपना रिवेंज गेम के तौर पर इस मैच को लेगा। जिस तरह इंडिया ने गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान की टीम को शिकस्त दी, पाकिस्तानी प्रोफेसर मोहम्मद हफीज काफी इन दोनों वोकल हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया जो है वो कमाऊपूत है और जो कमाऊपूत तो सब उसको प्यार भी करते हैं और सब उसके लाड भी उठाते हैं, सब उसके नखरे भी उठाते हैं। बात तो हफीज ने सही कही है, है बिल्कुल, आप अपने घर में देख लें कि जो कमाऊ घर में है। मैं तो सामने भी देख रहा हूं कि इंडिया की कितनी तारीफें होती हैं, किसकी इंडिया की कितनी तारीफें होती हैं, तो सामने भी देख रहा हूं घर में, क्या देख ये क्या इंडिया से कमाऊ पता नहीं, पूछा अभी आप पूछता हूं ICC देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने भी तो हमारे लोग इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं। इसमें हफीज के स्टेटमेंट से आप मुतमईन हैं, सैटिस्फाइड हैं? देखें ऐसा ही होता है कि जो कमाऊ पूतो तो उसकी आओ भगत तो होगी ना यार। अभी इंडिया कमा के देता है ICC को, उसकी स्पॉन्सरशिप बहुत सबसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ICC में उनका रोल जो है वो डेफिनेटली वीटो पावर का हक तो रखते हैं ना वो लोग, तो ये चीज़ें तो होती है। पाकिस्तान के पास इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं है जितनी कि इंडिया के पास है। इंडिया में अगर PSL के ऊपर एक प्लेयर 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का बिकता है, आपके यहाँ मैक्सिमम कितने का जाता है, एक लाख, डेढ़ लाख डॉलर का जाता है, तो अगर आप उससे अंदाजा लगा लें तो बड़ा फर्क है। ये तो हकीकत है, क्योंकि मार्केट बड़ी है, वो ज्यादा स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनकी से ज्यादा। इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हमारे एनालिस्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम क्या कहती है इस मैच को लेकर, आइए वो सुनते हैं। इंशाल्लाह इंडिया को शिकस्त कल हम देंगे, जिस तरह कल हांगकांग को दिया था इंशाल्लाह कल इंडिया को भी इस तरह देंगे। कल हमारा मैच है इंडिया पाकिस्तान का और हम जीतेंगे और अच्छा खेलेंगे। कल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने हांगकांग का क्या हाल किया, इंशाल्लाह इंडिया का भी यही हाल होगा कल। इंशाल्लाह बिल्कुल हम जरूर जीतेंगे, हमारी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, पिछली दफ़ा बस 8 लाख हो गई है, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। बाबर आजम से है, इंशाल्लाह अच्छी कप्तानी करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। जी ना जी, आपने आवाम की राय सुनी, सुना आपने कहे बाबर आजम अच्छी कप्तानी करेगा। देखिए ये आवाम तो मासूम होती है, कप्तानी का बोला ठीक है, आवाम तो मासूम होती है और आप इंडिया की अगर पब्लिक से पूछेंगे बोलेगी इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान से पूछेंगे पाकिस्तान जीतेगा। आप क्या कहते हैं, पेपर पे इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा जी। वैसे मैंने सवाल मिला वजह पूछा, जवाब तो मुझे मालूम ही था।
तो आपको तो यार मुझे मालूम ही था जवाब क्या, आप क्या देंगे? आपकी अकल की दाद देता हूँ अली। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।